पंजाब विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद कांग्रेस पार्टी की आपसी फूट बढ़ती जा रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अपनी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। सीएम पद को लेकर प्रदेश प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी आमने सामने हैं। सिद्धू चाहते हैं कि पार्टी उन्हें सीएम उम्मीदवार घोषित करे, जबकि अब चन्नी ने भी चुनाव से पहले सीएम उम्मीदवार घोषित करने की मांग शुरू कर दी है। हालांकि कांग्रेस आलाकमान चाहती है कि पार्टी बिना सीएम चेहरा घोषित किए ही चुनाव में उतरे। कांग्रेस को डर है कि सीएम का चेहरा घोषित करते ही पार्टी टूट के कगार पर पहुंच सकती है। हालांकि चुनाव से पहले कांग्रेस की मुसीबत और बढ़ती जा रही है। अब आनंदपुर साहिब से कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को निशाने पर ले लिया है। मनीष तिवारी ने कहा कि पंजाब को एक गंभीर व्यक्ति की जरूरत है। चन्नी पर कटाक्ष करते हुए मनीष तिवारी ने कहा कि इस सीमावर्ती प्रदेश को ऐसे नेता की जरूरत है जो चुनौतियों से निपट सके और कड़े फैसले कर सके। मनीष तिवारी ने खबर को शेयर करते हुए ट्वीट कर लिखा है कि पंजाब को एक ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत है जो चुनौतियों से निपट सके और कड़े फैसले करने की क्षमता रखता हो। पंजाब को गंभीर लोगों की जरूरत है जिनकी राजनीति सोशल इंजीनियरिंग, मनोरंजन, मुफ्त की रेवड़ी बांटने वाली नहीं हो। मनीष तिवारी ने जिस खबर को शेयर कर ट्वीट किया है उसमें लिखा हुआ है कि चन्नी ने संकेत दिया है कि वो बहुत लोकप्रिय हैं। बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब मनीष तिवारी ने नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी पर हमला बोला है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम पद से हटाए जाने के बाद भी मनीष तिवारी ने सिद्धू और चन्नी पर सवाल उठाया था। हाल ही में पंजाब के दौरे पर गए पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर भी मनीष तिवारी ने चन्नी सरकार पर हमला बोला था। तिवारी बीते कुछ समय से कांग्रेस पर जमकर हमला बोल रहे हैं। गौरतलब है कि मनीष तिवारी कांग्रेस के उसी G23 समूह में शामिल हैं जिसने साल 2020 में सोनिया गांधी को पत्र लिखकर संगठन में आमूलचूल परिवर्तन और सक्रिय अध्यक्ष की मांग की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।